देखिए अतुल भाई, निश्चित तौर पर 2019 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल मुहैने पे खड़ा है और हर राजनीतिक दल अपने चुनाव की रणनीति बनाने में बिल्कुल लगी हुई है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में जो एक आपातकाल जैसी स्थिति लागू किए हुए हैं, जिस तरीके से एक तानाशाही का एक हुक्मरान ये चलाने के लिए भारतीय जनता और देश की जनता उसको सहने के लिए मजबूर है, आज पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितने राज्यों में किसान आज जो है आंदोलित है। मतलब इतनी हठधर्मता कि कोई भी राजनीतिक दल अपने जो सत्ता पक्ष के कोई भी मंत्री कोई भी नेता उन किसान संगठनों के नेताओं से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज जिस तरीके से इंटॉलरेंस करके देश में इस लोकतंत्र को और इस संविधान को कमजोर करने की एक रणनीति एक साजिश बनाई गई भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पे, तो ये निश्चित तौर पे आज एक महागठबंधन बन रहा है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, समान विचारधारा के लोग, एक समान विचारधारा के लोगों ने ये एक उनकी जिम्मेदारी होती है कि इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने रखे संरक्षित रखने के लिए वो आगे बढ़े। और आज मुझे ये बात का खुशी है देवेंद्र भाई बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये समान विचारधारा के लोग कौन है मुझे समझ में नहीं आया। अपनी अपनी सबकी विचारधारा थी, अचानक से सब समान विचारधारा वाले कैसे हो गए? देखिए, सेकुलर विचारधारा के लोग, साझी विरासत के लोग, सर्वधर्म संभाव के लोग, गंगा जमुनी तहजीब के लोग, इस देश की एकता अखंडता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आपस में नफरत पैदा करके हिंदू मुसलमानों को लड़ा के, अगले पिछड़ों को लड़ा करके, दलितों बैकवर्डों को लड़ा करके जिस तरीके से देश के माहौल को दूषित करने का काम किया है, मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये देश के लोग कहने लगे हैं कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आज 60 लाख फर्जी वोटर बनाए गए, तो ये निश्चित तौर पे कहां आज ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, तो ये निश्चित तौर पे देखने। और जिस तरीके से नूरपुर, कैराना, फूलपुर और गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी को संयुक्त विपक्ष के लोगों ने जिस तरीके से उनको शिकस्त दिया, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें ठीक है। यही तो है, आप दोनों बातें कह रहे हैं ना। देखिए, ऐसे नहीं है, आप लोगों के रहते ऐसे कैसे देश खतरे में आ जाएगा, ऐसे कैसे संविधान को कोई कमजोर कर देगा। कैराना है, फूलपुर है, गोरखपुर है, परिणाम है, कमजोर नहीं होगा सर, कोई कोशिश करेगा तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, मैं रोक रहा हूँ देव भाई, रोक रहा हूँ। छोटे छोटे कमेंट सभी को मौका देना है, वैसे ही तकनीकी खामी आ गई, आऊंगा आपके पास आऊंगा। कर्नल साहब, आप संपर्क कर रहे हैं समर्थन के लिए और अखिलेश साइकिलिंग कर रहे हैं, लगता है कि रणनीति कारगर रहेगी, समर्थन मिल जाएगा या महागठबंधन भारी हो जाएगा, टेक्निकल दिक्कत आएगी।